हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज तक हमारी ब्लॉगिंग जो है वो तक हम मैंने कभी भी मतलब ऑन कैमरा बात नहीं की, पर आज से मैं इस तरह ही ब्लॉगिंग करूँगी। और आज जो है हम जा रहे हैं ज्यूरी रामपुर किसी की रिटायरमेंट में। तो अब हम लोग चल निकल चुके हैं अपने घर से और हम पहुँच गए हैं परसारी। हमें यहाँ थोड़ी देर काम था, हम यहाँ रुक गए। ये परसारी स्टेशन है, ये मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है। तो हम जाएंगे रोड़ू वाली साइड से, तो ये हम मेहंदली की ओर जा रहे हैं। रोड़ू सुंगरी होते हुए हम जाएंगे और ये हम लोग रोड़ू पहुंच चुके हैं और ये हम रोड़ू से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो अब हम रोड़ू से सुंगरी की ओर जा रहे हैं और ये हम कांसाकोटी साइड पहुँचे। रास्ते में काफ़ी अच्छे स्टेशन थे, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़ा आया। हम लो हाइट से हाइट में जाते रहे ऊपर। सुंगरी जो है काफ़ी हाइट में है। फिर वहाँ से वहाँ पर हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स थे जो हमारा वेट कर रहे थे। हम सेकंड लास्ट थे, हमारे पीछे पापा की गाड़ी थी, बाकी सब लोग निकल चुके थे। और ये बहुत सारे गांव है बीच में। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था तो हमें कोई आइडिया नहीं है ये कौन कौन से गाँव हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हो, अगर उन्हें पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखे कि ये कौन कौन से गाँव हैं। हमें ज़्यादा स्टेशन्स नहीं पता थे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सुंगरी। ये काफ़ी हाइट पे है। अभी तक यहाँ पर बारिश हो रही थी और अब सब नॉर्मल है, अब धूप लगी है। और ये देखिए, और ये देखिए चाची, मम्मी, और ये वासु, अश्मी, रूही, और यहाँ से बुआ आ रहे हैं। और मम्मा आ रहे हैं और इधर हम सब लोग वेट कर रहे हैं। हमारी एक गाड़ी पीछे रह चुकी है। ये देखिए व्यू, ऑसम व्यू यहाँ से। ये देखिए गाइस, सब लोग अब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। ये कनिका यहाँ और अपना पोज देते हुए, और ये आगे अस्मी, चाचू। तो हम सबका चाय पानी हो गया है, किसी ने मैगी खाई, किसी ने थोड़ा सा लंच करा क्योंकि सब लोग ब्रेकफास्ट करके ही आए थे। और हम लोग अब सुंगरी से जो है नीचे की तरफ निकल रहे हैं। कच्चा रोड है ये, 8-9 किलोमीटर का बहुत कच्चा रोड है। फिर हम इसके बाद कई स्टेशन आएंगे। एक्चुअली सेम चीज़ यहाँ भी हुई कि हमें नहीं पता था कि यहाँ पर भी कौन कौन से स्टेशन हैं, बट हाँ व्यू बहुत अच्छा था इसलिए हमने वो सब कुछ आप लोगों के लिए कैप्चर किया। ये देखिए द ह्यूज फॉरेस्ट, इतना बड़ा फॉरेस्ट था और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। तो अब हम लोग धीरे धीरे जो है मतलब कि अब कच्चा रोड हमारा जो कच्चा लिंक था वो ख़त्म हो चुका है, अब हम पक्की सड़क में आ गए हैं और अब हम धीरे धीरे लो हाइट की तरफ निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी व्यू बहुत ही औसम था, बहुत ही सुंदर। आर पार के नज़ारे बहुत अच्छे थे और देखने लायक थे। कई जगह हम लोग बीच में रुके भी, हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोस बनाई बस। और उसके बाद हम लगातार चलते रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाना था हमें और सफ़र बहुत लंबा था। तो देखिए तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं दत्तनगर से, थोड़ा किलोमीटर पीछे है ये लवर्स पॉइंट करके जगह है, काफ़ी हाइट में है और बहुत अच्छा यहाँ से नज़ारे दिखाई देते हैं आर पार। देखिए तो ये जो सामने पार दिख रहा है ये निर्मंड दिख रहा है और ये निर्मंड है एशिया का सबसे बड़ा गांव। और ये नीचे सतलुज बहते हुए और ये दत्तनगर ऊपर से दिखाई दे रहा है नीचे ऐसे इस तरह से। और अब हमने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह ली और फिर हम यहाँ से निकल पड़े अपनी अपनी गाड़ियों में। ये देखिए बुआ, मामू, मम्मी, मम्मा वगैरह सब, चाचू, चाची, सब लोग बैठ चुके हैं। और ये हम लोग जो है अब NH5 में पहुँच चुके हैं, दत्तनगर से थोड़ा पीछे है बस, अब हम चल रहे हैं आगे को। वो अलग बात है, मैं जिला गाड़ी रोकने में।
तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रामपुर बुशहर। ये हम मार्केट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये रहिए, देखिए गाइस, ये है मेन मार्केट जो रामपुर की मेन मार्केट है। और इधर जो है राजमहल भी है उस पे। गाइस ये है रामपुर कॉलेज और ये रामपुर कॉलेज का ग्राउंड, काफी बड़ा ग्राउंड है। तो ये लीजिए, अब हम जाखड़ी पहुंच चुके हैं। हमें काफ़ी भूख लगी थी तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। हमने मोमोज खाए और बहुत ही टेस्टी मोमोज थे। और वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा बेबी था, हमने उसे भी फ़ोन में ले लिया। और ये कनिका, और ये हम ज्यूरी पहुंच चुके हैं। हम पहले उनके घर गए, फिर हमने चेंज किया और फिर हम वेन्यू पर पहुँच चुके हैं। अब हम सबका वेट कर रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं और अब हम पार्टी में जाएंगे। तो ये देखिए कनिका अपना लुक दिखाते हुए, और अब कनिका मेरा भी टेढ़े मेढ़े फ़ोन करके अब लुक दिखाएगी। इसे मैंने सीधा फ़ोटो लेने के लिए बोला था। और ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं पार्टी में। एक्चुअली मैं गेट पे शूट करना भूल गई। ये देखिए मासी मौसा जी, मासी बहुत ही सुंदर लग रहे थे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। और ये मौसा जी और सब हम लोग जितने लोग आए थे, अब हम लोग बारी बारी से इन्हें गिफ्ट्स देंगे स्टेज पर। और हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ, कि नौरी टोपी माला पहनाई गई हमें गेट पर। और ये मासी और मौसा जी, मौसा जी जो है 31 मई को रिटायर हो गए थे, बट जो पार्टी थी वो इन्होंने कुछ टाइम बाद रखी, क्योंकि ये दिल्ली से रिटायर हुए हैं। आईटीबीपी में अभी तक ये अपनी सेवाएं दे रहे थे। मिस्टर मौसा जी जो है मिस्टर लालकृष्ण अडवाणी जी, जो कि बीजेपी नेता है सेंटर में, उनके साथ ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी ही वीआईपी सिक्योरिटी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और अब इतनी सालों बाद रिटायर होकर घर आए हैं। तो ये देखिए सब लोग बारी बारी से अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। ये वासु, मम्मा, पापा, और जो मासी है वो मेरी मम्मा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, बचपन के बेस्ट फ्रेंड है। तो ये देखिए मम्मा उनको शॉल पहना रहे हैं। और ये वासु और मम्मा भी खड़े हैं, मम्मी भी खड़े हैं आगे, चाची है, सब लोग। ये देखिए बुआ, मामू, सब लोग अपनी अपनी गिफ्ट्स। और ये देखिए अब सबको फैमिली फ़ोटो के लिए बुलाया है, जितने भी लोग हम जुब्बल से गए थे। एक्चुअली हम लोग 25-26 लोग जो है गए थे, और हमने बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप में, और बहुत इन्जॉय किया पार्टी में बहुत ज़्यादा, जो कि आपको आगे दिखेगा अभी। ये देखिए, ये देखिए सब लोग जो है फ़ोटोज़ के लिए बैठ चुके हैं। ये सब हमारी एक ही फैमिली है, और आधे लोग तो अभी फैमिली में है भी नहीं, वो शायद नीचे खड़े हैं। ये देखिए सब फोटोज लेते हुए। और ये दूसरी बुई आ गए हैं, और ये मैं, मेरे हस्बैंड और कनिका, तीनों फोटोज लेते हुए मौसा जी और मासी के साथ। और ये जो है कुछ तस्वीरें पार्टी की। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मज़ा आया हमें। और अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे पहले। और ये देखिए काफ़ी लोग थे, और ये मैं अपनी फैमिली वालों को ढूंढते हुए। ये देखिए ये सब लोग, मम्मी, चाची, पूरब, और ये निकिता चाची अपना फेस छुपाते हुए, बट फिर दिखाएंगे ज़रूर अभी।
और ये जो है ये हमारी दादी बुई है जिनकी ये बेटी है, जिनके हस्बैंड की रिटायरमेंट है। ये देखिए ये 86 इयर्स के हैं और अभी भी इतने खूबसूरत हैं। ये देखिए तो देखिए दोस्तों हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हमारा हो रहा है डांस की स्टार्टिंग। ये चाचू ने डांस की स्टार्टिंग की, मेरे चाचू है और बहुत अच्छा नाचता है। और अब धीरे धीरे हमारी फैमिली मेंबर्स ऐड होने लगेंगे यहाँ स्टेज पे, और यहाँ पर खुद गाना गा रहे थे सिंगर और फिर लोग डांस कर रहे थे। देखिए मम्मा, ये चाची, चाचू, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये अब रीनू चाची भी आ चुके हैं। और अब देखिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें तो आपको बहुत ही मजा आएगा।